नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल न्यू रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, सीआईएसएफ की तरफ से कॉन्स्टेबल एंड कॉन्स्टेबल जीडी एंड हेड कॉन्स्टेबल के पदों पर निकाली गई बंपर भर्ती की अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं एंड आपको यहां पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लाइक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबा ले, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो टोटल पोस्ट यहां पर रखी गई है, या आपको 1800 पोस्ट पर वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में दोस्तों, बात करते हैं वैकेंसीज के ओवरव्यू के बारे में। तो देखिए, यहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए जो आपका ओवरव्यू यहां पर रखा गया है। इसमें रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ रहेगा। सीआईएसएफ की तरफ से आपके इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। पोस्ट नेम के बारे में बात कर ले तो कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका सीआईएसएफ हेड कॉन्स्टेबल वैकेंसीज 2023 रहेगा एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको 1800 पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आपके लिए रखी जाएंगी। सैलरी आपको यहां पर 21,700 से 69,100 रुपए पर मंथ मिलने वाली है। सो सैलरी भी आपकी यहां पर काफी अच्छी खासी बढ़ने वाली है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे एंड अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ में कैटेगरी आपकी सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब यहां पर प्रोवाइड की जाएगी एंड ऑफिशियल वेबसाइट आपकी cisfrectt.in आपकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के लिए अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन की तरफ से सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल एंड कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के लिए बेस्ट बुक रिलीज की गई है। आप इस बुक को किसी भी ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से परचेज कर सकते हैं एंड आप अपने नियरेस्ट ऑफलाइन स्टोर के माध्यम से भी इस बुक को ऑफलाइन परचेज कर पाएंगे। दोस्तों, 100% आपको नए एग्जाम पैटर्न के आधार पर यह बुक देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट्स पेपर दिए गए हैं, जिनको सॉल्व करके आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ ही में इनका आपको डिटेल में सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। 2450 प्लस मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनका आपको डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है एंड इसी के साथ में 100% आपके इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार किया गया है। सो ये बुक आपके लिए हर हाल में बेस्ट रहने वाली है। आप इस बुक को किसी भी ऑफलाइन स्टोर के माध्यम से या फिर ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इनके ऑनलाइन स्टोर के लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, जहां से आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं एंड आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप इस बुक को एक बार जरूर परचेज कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। बात करते हैं दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, तो 1800 वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी एंड पोस्ट नेम आपका जीडी कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए रहेंगे। सो काफी अच्छी खासी पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिलेंगी एंड इसी के साथ में अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। साथ ही में ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। साथ ही में ऑल ओवर इंडिया में आप अपने होम स्टेट में अपनी एग्जाम सेंटर भी चूज कर सकते हैं। इसी के साथ में सैलरी आपको यहां पर 21,700 रुपए से 81,100 रुपए तक पर मंथ मिलने वाली है। साथ ही में आपको जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अलाउंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो सारे के सारे अलाउंस आपको यहां पर भी प्रोवाइड किए जाएंगे एंड इसी के साथ में अगर आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। एससी एसटी एंड फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट को यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस सबमिट करवाने की जरूरत नहीं होगी। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 18 से 23 साल रखी गई है। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 18 से 26 एंड एससी एसटी के लिए 18 से 28 साल एज लिमिट यहां पर रखी गई है। 25 जून 2023 तक आपकी एज को यहां पर काउंट किया जाएगा। सो एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल के एंड ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज रिलैक्सेशन यहां पर मिलने वाला है एंड इसी के साथ में फिजिकल डिटेल के बारे में बात कर ली
तो मेल एंड फीमेल के लिए जो मिनिमम हाइट यहाँ पर रखी गई है, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रखी गई है, साथ ही में फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट यहाँ पर रखी गई है। रनिंग टेस्ट के बारे में बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ रहेगी जिसे 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ रहेगी जिसे 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा। एंड इसी के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पर रिक्वायर रहेगी, तो देखिए फोटो एंड सिग्नेचर आपके पास में होना चाहिए जिनका लाइट बैकग्राउंड कलर होना चाहिए। एंड इसी के साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट के रूप में आप 8वीं और 10वीं की मार्कशीट को लगा सकते हैं। डोमिशियल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। एंड आधार कार्ड को आप आईडी प्रूफ के रूप में यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, देन आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा, इसके बाद में आपका रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट से भी आपको यहां पर गुजरना होगा। सो यहां आपके कुछ स्टेप रहेंगे जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन यहां पर मिलने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज से आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, एनालिटिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे, साथ ही में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से भी आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश आपका ऑप्शनल रहेगा। जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट का टाइम आपको यहां पर दिया जाएगा, 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है एंड 2 घंटे का आपको यहां पर टाइम मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहेगा, साथ ही में आपके यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। एंड इसी के साथ में एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 10वीं 12वीं और डिग्री पास कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, चाहे आपने किसी भी बोर्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट से अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट किया हो। एंड इसी के साथ में दोस्तों बात करते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे में कि किस तरीके से आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको कुछ स्टेप प्रोवाइड किए गए हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके इजीली अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप इस भर्ती के लिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल चुकी होगी। सो वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।